चिल्ड्रन हु प्रीफर देखिए थ्री स्कूल्स हैं स्कूल ए नाम का कोई स्कूल है बी नाम का कोई स्कूल है और सी नाम का कोई स्कूल है स्कूल्स में गए सर्वे किया गया बच्चों से पूछा गया कि हाँ भाई आपको वॉकिंग पसंद है या साइकिलिंग पसंद है तो स्कूल ए में वॉकिंग कितने बच्चों को पसंद है फोर्टी स्कूल ए में साइकिलिंग कितने बच्चों को पसंद है फोर्टी फाइव ठीक इसी तरीके से स्कूल बी में गए कितने बच्चों को वॉकिंग पसंद है फिफ्टी फाइव और साइकिलिंग ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स को पसंद है इसी तरीके से स्कूल सी में गए तो वॉकिंग कितने बच्चों को पसंद है फिफ्टीन और साइकिलिंग कितने बच्चों को पसंद है थर्टी फाइव ठीक है ना सो so, यहाँ पर हम क्या करेंगे लेट मी काउंटेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओ हो जाएगा ठीक है ना अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे डी ए डबल बारग्राफ का क्वेश्चन है तो मैं आपको पहले ही बताता हुआ चल रहा हूँ यहाँ से कि जो आपकी साइकिलिंग होगी ओके okay, बच्चों या वॉकिंग होगी वॉकिंग को मैं दिखाऊंगा व्हाइट कलर के बारग्राफ से ठीक है वाइट कलर के बारग्राफ से, बार से ये इस तरीके से ये देखिए ठीक है ये आप भी अपने स्कूल में इस तरीके से कलर्स का यूज करके बता सकते हो कि कौन सा बारग्राफ वॉकिंग को शो कर रहा हूँ कौन सा बार रहा हफ को और साइकिलिंग को मैं यहाँ शो करूंगा बच्चों येलो कलर से ये लीजिए साइकिलिंग को मैं शो करूंगा येलो कलर से ठीक है ना चलिए आइए बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक्स एक्सेस पे स्केल से मैं यहाँ स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ आप समझ जाना आपको स्केल का यूज करना है ठीक है बच्चों तो एक्स एक्सेस पे एक लाइन ड्रॉ करना है आपको मतलब एक एक्स एक्सेस बनानी है ये देखिए इस तरीके से ओके तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस ठीक है बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको देखा था मैंने रूलर यूज किया था अपना सॉफ्टवेयर में यहाँ पे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ठीक है ना या एक बार मैं यूज़ करके देख लेता हूँ ठीक <laughs> है ना थोड़ा प्रॉब्लम करता है वो चलो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने बनाया ये एक्स एक्सेस चलो बन गया भाई इस बार तो कोई दिक्कत नहीं ये मैंने एक्स एक्सेस बनाया ठीक है स्टूडेंट्स ये लीजिए और लंबा कर लेते हैं इसको ये एक्स एक्सेस है और इसी तरीके से अब मैं बनाऊँगा क्या वाई एक्सेस ठीक तो ये लाइन मुझे वर्टिकल करनी होगी इस तरीके से ठीक चलो अब यहाँ पर मैंने बनाया क्या वाई एक्सेस ठीक है ये इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी हम इधर से लेते हैं यहां से चलो ये बनाए क्योंकि ये ग्राफ के लाइन के ऊपर आना चाहिए ना स्टूडेंट्स ये लीजिए इस तरीके से अब ये आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है तो उसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ लाइन के ऊपर आपको सिंपली स्केल लेके बना लेना है ओके okay, स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी वाई एक्सिस ये लीजिए अब यहां पर आपको करना क्या है अब देखो बार्स को मैं नॉर्मल अपने हैंड से फ्री हैंड से बनाऊंगा आपको स्केल से बनाना है ठीक है बच्चों अब मैं सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये परेशान करता है बेवजह है ना अब सुनो हम क्या कर रहे हैं हम यहां पर बच्चों स्केल क्या ले रहे हैं स्केल स्केल भी आपको लेना जरूरी है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्केल ऑन वाई एक्सेस ऑन वाई एक्सेस वाई एक्सेस पे हम लोग स्केल लेंगे और वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हम यहां पर ले लेते हैं क्योंकि फाइव का मल्टीपल चल रहे थे ट्वेंटी फाइव है ना तो हम वन सेंटीमीटर में फाइव स्टूडेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं कितने फाइव स्टूडेंट्स को ओके तो वन सेंटीमीटर वाई एक्स पे आपको क्या दिखाएगा फाइव सेंटीमीटर फाइव स्टूडेंट्स को दिखाएगा ठीक तो ये वन सेंटीमीटर की लेंथ है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ठीक तो ये दिखाएगा फाइव स्टूडेंट्स को फिर यहाँ वन सेंटीमीटर के गैप पे फाइव प्लस फाइव टेन फिर मतलब फाइव की टेबल चलानी है आपको फिफ्टीन और यहाँ पे दिखाएगा ये ट्वेंटी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट आएगा आपका ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट आएगा आपका थर्टी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स आपका थर्टी फाइव स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट आएगा आपका फोर्टी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आएगा आपका फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, आएगा आपका फिफ्टी uh, स्टूडेंट्स और मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट फिफ्टी फाइव बहुत लंबा चला गया चलो कोई बात नहीं है कम से कम आ तो गया ठीक है मैक्सिमम जाएगा हमारा तक ये इस तरीके से ओके ठीक ठीक है है और ये वाई एक्स पे हमने क्या दिखाया है चिल्ड्रेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स ये इस तरीके से नाउ अब आ जाइए स्कूल ए की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हम यहां से ग्राफ स्टार्ट करते हैं और हमें डबल बार ग्राफ बनाना है तो यहां पे हमने लिखा स्कूल ए स्कूल ए आपको भी अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है ठीक स्कूल ए हमने लिखा अब देखो स्कूल ए में वॉकिंग कितने बच्चे प्रेफर करते हैं फोर्टी ठीक तो हम फोर्टी तक अपना बार ले जाएंगे ये देखिए बार ग्राफ हम कहाँ तक ले गए फोर्टी तक ये ये लीजिए इसको मैं थोड़ा आपको स्केल से ड्रॉ कर रहा है बच्चों कैसे ड्रॉ कर रहे आपको स्केल से ओके ये लीजिए अब ये वाला जो बार है ये वाला बार कहां तक जा रहा है 40 तक जा रहा है आपको दिख रहा होगा कैमरे में दिख रहा है यस अब सुनो ये बार कहां तक जा रहा है 40 तक और इसके अंदर कलर कैसा है व्हाइट तो ये वॉकिंग में कितने बच्चे हैं स्कूल ए में ये देखिए स्कूल ए में वॉकिंग में कितने बच्चे हैं मतलब वॉकिंग कितने बच्चे पसंद करते हैं फोर्टी इसी तरीके से स्कूल ए में साइकिलिंग कितने बच्चे पसंद करते हैं फोर्टी फाइव तो पहले हम स्कूल ए के लिए ही फोर्टी फाइव तक इसको ले जाते हैं तो फोर्टी फाइव यहाँ कहीं आएगा ये लीजिए जो सेकंड बार है इसके साइड में हम इसी के साइड में लगा के बनाते हैं डबल ग्राफ में डबल बार ग्राफ में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ठीक है ये देखिए दोनों जब डबल बार ग्राफ बनाते हैं बच्चों ठीक है ना तो हम कभी भी कोई भी गैप नहीं रखते हैं टू बार्स के बीच टू बार्स के बीच में हम कोई भी गैप नहीं रखेंगे और इसमें हम कलर कौन सा फिल करेंगे फोर्टी फाइव वाले में कलर हम फिल करेंगे इसमें कौन सा येलो ठीक है ना अब आपको पढ़ने में यहाँ पे आ रहा होगा ये देखिए स्कूल ए में कितने बच्चे साइकिलिंग पसंद करते हैं फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स कितने बच्चे ये व्हाइट कलर का है देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का है तो वॉकिंग कितने बच्चे पसंद करते हैं फोर्टी आई थिंक आपको समझ में आया होगा फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर वन सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे फिर स्कूल बी की बात करेंगे ठीक तो यहाँ पर हमने क्या करना है ध्यान से चेक करें बच्चे यहाँ पे हम लेंगे स्कूल बी ठीक यहाँ से यहाँ तक ठीक है थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े स्कूल बी चलो अब देखो स्कूल बी में क्या होता है वॉकिंग कितने बच्चे पसंद करते हैं तो मेरा ग्राफ कहां तक 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 जाएगा 55 तक, तक जाएगा यानी कि टॉप ये स्केल लेके करना है बच्चों आपको है ना मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट आपको बता रहा हूं ये जाएगा कहां तक फिफ्टी फाइव तक ओके ये लीजिए ये इस तरीके से और क्योंकि फिफ्टी फाइव बच्चे क्या पसंद करते हैं वॉकिंग पसंद करते हैं स्कूल बी में ठीक इसलिए इसकी हाइट कहाँ तक जा रही फिफ्टी तक और इसको व्हाइट कलर का रहने दो बिकॉज वॉकिंग कॉम ने किससे दिखाया मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ ये लीजिए वॉकिंग को व्हाइट कलर और से और साइकिलिंग कॉम ने किससे दिखाया येलो कलर से ओके okay, बच्चों इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में ठीक चलो अब स्कूल बी में बच्चों साइकिलिंग कितने बच्चों को पसंद है ट्वेंटी फाइव तो साइकिलिंग के लिए यानी कि येलो वाला ग्राफ कहाँ तक जाएगा ट्वेंटी फाइव हाइट तक तो ये ट्वेंटी फाइव ये रहा ये इसी के साइड में इसी के एडजस्टेंट होगा इसी से लगा हुआ बार ग्राफ होगा ये इस तरीके से ये लीजिए आपको स्केल से करना है फ्री हैंड से मत कर देना मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ ना सॉफ्टवेयर परेशान करता है मुझे उसमें टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ ठीक चलो तो अब इसको शेड कौन सा दोगे येलो येलो अब आप देखते पहचान जा रहे हो कि स्कूल बी में वॉकिंग कितने बच्चों को पसंद है फिफ्टी फाइव और साइकिलिंग कितने बच्चों को पसंद है ट्वेंटी फाइव ओके स्टूडेंट्स कैमरे में दिख रहा है यस बिल्कुल सही आ रहा है नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्कूल सी की ठीक तो फिर से वन सेंटीमीटर का गैप दे दीजिए यहाँ पर ओके और अगर आप चाहो तो टू सेंटीमीटर का भी गैप दे सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं वन सेंटीमीटर का गैप देकर चल रहा हूँ स्कूल सी के लिए तो वन सेंटीमीटर का गैप देंगे यहाँ से यहाँ तक ठीक ये यह लीजिए यहाँ पर हम बात करेंगे इस स्कूल इस स्कूल सी की सी नाम का कोई स्कूल है अब सी नाम के स्कूल में वॉकिंग कितने बच्चों को पसंद है फिफ्टीन तो इसकी हाइट स्टार्टिंग में कहाँ तक जाएगी फिफ्टीन ये लीजिए फर्स्ट वाला बार ग्राफ किसको दिखाता है वॉकिंग को दिखाता है क्योंकि इसके अंदर कलर कैसा है वाइट है ये लीजिए ठीक और सेकंड वाला बारोग्राफ स्कूल सी के लिए वॉकिंग साइकिलिंग कितने बच्चों को पसंद है थर्टी फाइव तो ये हाइट जाएगा कहाँ तक थर्टी फाइव थर्टी फाइव यहाँ यहाँ आ रहा है ये देखिए ये यहाँ के और इसी के एडजस्टेंट इसी से लगा हुआ एक और बारोग्राफ हम बनाएंगे इस तरीके से ओके okay, स्टूडेंट्स ये लीजिए ये इस तरीके से करेक्ट और हम इसमें कलर कौन सा फिल करेंगे येलो क्योंकि येलो किसको दिखा रहा है साइकिलिंग को ठीक है ना ये लीजिए